मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आपको बता दें कि एनसीपी के जो कलवा मुमरा अध्यक्ष शमीम खान है उनके ऑफिस के सामने जो है 23 फरवरी को जो है एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है और ये मेडिकल कैंप जो है बिल्कुल फ्री है। सिर्फ आपको अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर आने हैं जो 20 और 21 22 तारीख को जो है जो पेशेंट उस कैंप में आएंगे उनका रजिस्ट्रेशन जो है ये 3 दिन किया जाएगा, जो आपको उनके डॉक्यूमेंट लेकर आने हैं यानी 3 दिन इसका रजिस्ट्रेशन चलेगा। और 23 तारीख को जो है इसमें जो है यहाँ पर कैंप लगाया जाएगा जिसमें कालशेखर हॉस्पिटल के तमाम डॉक्टर बैठेंगे और जो इसमें किडनी के मरीज़ हैं या दिल के मरीज़ हैं ऐसे तमाम जो पेशेंट यहाँ पर देखे जाएंगे जिन्हें अगर हॉस्पिटल में लंबे इलाज की ज़रूरत है तो उन्हें कालशेखर हॉस्पिटल से जो है उनका इलाज फ्री में किया जाएगा। ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो है एनसीपी के कलवा मुमरा अध्यक्ष शमीम खान ने ऐसी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। और साथ ही ये भी कहा गया है कि जो योजनाएं सरकार के तरफ से हैं उनके तहत जो है जितनी भी बीमारियों का इलाज सरकार द्वारा फ्री में किया जाता है तो इस कैंप में जो गरीब लोग हैं गरीब तबके के लोग हैं जो हॉस्पिटल में इलाज नहीं करा सकते हैं उनके लिए खास तौर पे इस कैंप का आयोजन किया गया है, जो यहाँ पर 20 और 21 22 फरवरी को जो है डॉक्यूमेंट लेकर पहुँचे और अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। और 23 तारीख को जो है यहाँ कैंप का आयोजन किया गया है जिसमें तमाम डॉक्टर बैठेंगे और जांच करेंगे, उसके बाद अगर पेशेंट को दवा की ज़रूरत है ऑपरेशन की ज़रूरत है तो उसे इलाज जो है उसका कालशेखर हॉस्पिटल में किया जाएगा। हम आपको सुनाते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कलवा मुमरा के अध्यक्ष शमीम खान और कालशेखर हॉस्पिटल के सीईओ आफरीन ने क्या कुछ जानकारी दी है। लेकिन एक बात और आपको बता दें कि इस कैंप का आयोजन जो किया जा रहा है वो मरहूम हाजी अब्दुल रज्जाक की याद में किया जा रहा है। फ्री हेल्थ कैंप एंड फ्री मेडिसिन कैंप, मल्टी मेडिकल एंड सर्जरी कैंप ठाणे जिला के अंदर फर्स्ट टाइम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी विधानसभा ऑफिस पे आयोजित किया गया है। माननीय मंत्री महोदय डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब क्षेत्रीय अशरफ भाई साहब के मेहनतों के साथ में ये चीज़ें प्रयास से किया जा रहा है, जिसमें मैं मुबारकबाद पेश करता हूं आफरीन मैडम को जो सीईओ है कालशेखर की, जिनका इसमें बहुत बड़ा योगदान है। उनसे जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने ये बताया कि अब तक इतना बड़ा कैंप यानी जिस तरीके से जो भी पेशेंट हैं जो जिनको अपना ट्रीटमेंट कराना है उनको राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ऑफिस पे दफ्तर पे 20 तारीख से लेकर के 21 तारीख से लेकर 22 तारीख तक सुबह 11 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक यहाँ पहुँचना है। यहाँ आकर के हमारे लोग यहाँ बैठे होंगे, आकर के उनको यहाँ रजिस्ट्रेशन कराना है। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मस्ट क्या है, उनका आधार कार्ड, उनका ऑरेंज और येलो राशन कार्ड, ये उनका मस्ट होगा, उनको लेकर के आना। लेकिन इसमें बहुत सारी बातें ऐसी आती है कि अगर कभी इंसान कहीं बाहर का है यानी आउट ऑफ स्टेट है तो ये समझता है कि भाई मैं जाऊंगा तो फिर ये होगा कि महाराष्ट्र का आपका फला डॉक्यूमेंट लाओ फला लाओ फला लाओ। लेकिन मैडम ने कहा कि अगर वो उत्तर प्रदेश से है, अगर वो कोकण से है, अगर वो गुजरात से भी है, कहीं से भी होने दो, अगर उनके पास ये राशन कार्ड है और आधार कार्ड है तो उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा, फ्री दवा दी जाएगी। जैसे दिल में छेद और किडनी का ये लंबा इलाज होता है तो क्या उसी दिन दवा रहेगी या बाद में? जिस दिन उनका रजिस्ट्रेशन हो गया और अगर उन्होंने आकर के यहाँ पे डॉक्टर को चेकअप कराया, बाहर हमारे पास 30 गाड़ियों का अरेंजमेंट होगा, हमने शानू भाई ने किया है, वो गाड़ियों में पेशेंट को बिठा करके हम अगर उनको एडमिट करना है कालशेखर में तो वहाँ एडमिट कराएंगे और उनका ट्रीटमेंट जब तक नहीं होता है उनकी मेडिसिन फ्री होगी। 23 तारीख का जो कैंप होगा जो यहाँ पे होगा उसमें उनका ब्लड टेस्ट होगा, उनका शुगर टेस्ट होगा, उनका ECG होगा और इसके अलावा 10 हमारे सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर रहेंगे जो वहाँ पे इनका वहाँ पे फ्री चेकअप करेंगे। उसके बाद तकरीबन 700 सर्जरीज हैं जो ऑरेंज और येलो राशन कार्ड वालों के लिए फ्री है, वो सारी सर्जरीज कालशेखर में होती है और हम वो सर्जरीज उनकी फ्री कराएंगे, जैसे कि बाईपास कार्डियक सर्जरी है, एंजियोप्लास्टी है, किडनी स्टोन्स है, लिथोट्रिप्सी है, प्रोस्टेट की सर्जरी है, बच्चों के दिल की बीमारियां हैं, बोन रिप्लेसमेंट है, तकरीबन 700 सर्जरी है जो फ्री होगी उसके। हम कहते हैं शहर में
जो आपके हॉस्पिटल में पेशेंट आते हैं तो वो सबसे ज़्यादा किस तरीके के पेशेंट हैं जो आते हैं? हमारे पास कार्डियक के पेशेंट सबसे ज़्यादा है, उसके साथ साथ यूरिन स्टोन, किडनी स्टोन जो बोला जाता है उसके पेशेंट ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा तादाद आई थिंक डायलिसिस पेशेंट की हमारे पास काफ़ी है। हर महीना 1000 साइकिल्स डायलिसिस के हो रहे हैं मुमरा में, तो डायलिसिस के पेशेंट्स भी बहुत ज़्यादा है। जो यहाँ पर कैंप का आयोजन किया जाएगा इसके जरिए जो पेशेंट आपके हॉस्पिटल में जाएंगे तो उनसे क्या किसी तरह का चार्ज मिलेगा? कुछ पैसे जो योजना के अंदर होंगे हम उनसे कोई पैसे नहीं लेते हैं। उनको अपना येलो या ओरिजिनल राशन कार्ड और ओरिजिनल आधार कार्ड लेके आना है। आरोग्य मित्र है जो गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट किए गए हैं, वो कालसेकर हॉस्पिटल में ग्राउंड फ्लोर रिसेप्शन पे बैठे रहते हैं, वो उनका नाम एनरोल करेंगे, उसके बाद प्री ऑथ हो जाएगा और एडमिशन से डिस्चार्ज तक पेशेंट की पूरी ट्रीटमेंट, पेशेंट का खाना और पेशेंट का घर जाने का खर्च भी कालसेकर हॉस्पिटल की तरफ से होगा। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।